झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच वाक युद्ध देखने को मिला, जिसमें शब्दों की मर्यादा टूटती ही चली गई। कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक रणधीर सिंह चौधरी ने नियोजन नीति को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक रणधीर सिंह शब्दों की सारी मर्यादा भूल गए। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को मुख्यमंत्री का उन्होंने शखंडी और हिजड़ा तक बता दिया। वे पलटवार करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और इनका इलाज करने की जरूरत है। क्यों उन्होंने लौंडा कहा? वो लौंडा कहा तो इरफान शाही हिजड़ा है। इरफान शाही ने हम लोग को लौंडा कहा, इरफान शाही हिजड़ा है, हिजड़ा। उन्होंने क्यों किया? वो कहेगा हम चुमा लेंगे। उन्होंने क्यों कहा? लगातार इनके मंत्री से लेकर विधायक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम तो जवाब देंगे। जब उन्होंने बीजेपी के विधायकों को लौंडा कहा इरफान शाही ने, तो मैं कह रहा हूँ इरफान शाही हिजड़ा है, हिजड़ा। तनिक भी नैतिकता है? जब उनको जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन ने जेल भेजा, तनिक नैतिकता होता तो आज वो सका का दलाली नहीं करते। वो हीरा वाला रोल कर रहे, दलाली हीरा है, ऐसे ऐसे नहीं करता है। वही कहा इरफान शाही गली की हड्डी बन गई है। 60-40 देखिए, 60-40 ये भाजपा की चाल है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबकी राय ली है, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, हमने सबकी राय जानना चाहा। अब ये 60-40 लोग कहाँ से लिया है, हमें समझ से पड़े हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में रोजगार की चिंता इनको है क्या? देखिए मजाक बना कर रख दिया ये लोग। 18 साल कहाँ था ये लोग? आज झारखंडियों की चिंता हो रही है, युवाओं की चिंता आज हो रही है इनको। आप क्या कर रहे थे? आप युवाओं को गोलियां चलाया आप लोगों ने। ये भाजपा के लोग, ये हमारी सेविका, हमारी सहिया बहनों पर साड़ी खोल के इन लोगों ने डंटे मारने का काम किया, ये भूल गई जनता क्या? इसलिए बौखला गए हैं ये लोग, नकली हितैषी हैं। और हम लोग जो हैं, हम लोग विश्वास कीजिए आप, आने वाले दिन में सबको हम लोग लेके चलेंगे। आज झारखंड के तमाम डॉक्टर के लिए एक सुनहरा दिन है। हमारी सरकार जो वादा किया था, रघुवर दास तो दी नहीं थे। हम लोग चिल्लाते चिल्लाते रह गए कि डॉक्टर की सुरक्षा कीजिए। हम जनता की सुरक्षा करते हैं, भगवान का रूप डॉक्टर होता है, हम जान बचाते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करेगा? आज हमारी हमारी सरकार ने सुरक्षा किया है। दूसरा, ये रणधीर सिंह के बारे में बोलूँगा, इसको मैं दूंगा फॉरम इन।